बच्चे विरोध करें नॉर्मलाइजेशन का, क्यों आप सहमत हैं? नहीं, मैं बासित, हम लोग नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। उसके पीछे कारण यह है कि जब आयोग का नोटिफिकेशन आया था आर ओ यादव या पीसीएस का, तो उसमें लिखा गया था कि हम मार्क्स के आधार पर मेरिट डिसाइड करेंगे, और बीच में ये आकर के नॉर्मलाइजेशन के नया नियम कर दिए। अभी परसों ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि खेल के बीच मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं में पब्लिक रिक्रूटमेंट में जब शुरुआत हो जाएगी, जब उसका विज्ञापन आ जाता है, उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। जबकि आयोग लगातार कई चेंज कर चुका है जब से विज्ञापन निकाला हुआ है, और जब इनका विज्ञापन आया था उसमें बताया गया था कि जैसे पीसीएस का पेपर है, पीसीएस में GS2 वो होगा, सीसेट का वो क्वालिफाइंग पेपर होगा, जबकि GS1 पर हम मार्क्स बेस पे मेरिट डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी ये क्या कर रहे हैं कि हम GS1 को हम नॉर्मलाइजेशन के आधार पर करेंगे, GS2 की कोई बात ही नहीं हो रही है। तो ये तो पहली बात ये कि इसको हम कोर्ट में लेके चले जाएंगे तब भी फंस जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन एक तरीके का तुक्का है। हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जहाँ प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन उस प्रतिस्पर्धा को भी डायल्यूट कर रहा है। तो ये प्रतिस्पर्धा ना होकर के तुक्के पर एक भाग्य भरोसे एग्जाम होगा हमारा, तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है ये तो बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन है बच्चों के लिए, क्योंकि अभी तक पेपर वगैरह लीक हो जा रहा था जी, बेस्ट ऑप्शन है सर, बच्चों के छात्रों के हित में है। हम इसके पहले भी लगातार एग्जाम हुए हैं, और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस आयोग की क्रेडिबिलिटी पर हमारा वो है। हम इसकी जो साख है, हर साल ये पेपर बनाते हैं, 10 से 15 सवाल गलत रखते हैं, मेंस की कॉपियों में किस तरीके से कॉपी चेक कर रहे हैं ये सबने देखा हुआ है। तो हम कैसे भरोसा कर लें कि इनका नॉर्मलाइजेशन सही तरीके से करेंगे? हमको उनके मनसा पर ही विरोध है उनका। तो लेट हो जाएगा एग्जाम यार अगर, तो फिर तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि लेट हो जाएगा, नहीं लेट हो चुका है। ये एग्जाम फरवरी और मार्च का एग्जाम था, दिसंबर तक आयोग भी इस अवस्था में नहीं पहुंचा कोई एग्जाम करा पाए। वो लगातार हम बच्चों की भावनाओं से खेल रहा है, हमको आर्थिक रूप से मानसिक रूप से तोड़ दिया इस आयोग ने। तो ये एग्जाम ऑलरेडी लेट हो चुका है, और ये नॉर्मलाइजेशन करके वो खुद एग्जाम करवाना ही नहीं चाहता है। इसके पहले जब आपने फरवरी में एग्जाम कराया था तो आपने एग्जाम 51 जिलों में लगभग कराए हुए थे, अभी आपने नोटिस देकर 41 जिलों में कर दिया है, जबकि यूपी में 75 जिले हैं, और SOP जो आपने लाया 10 किलोमीटर का उसको भी बढ़ा करके हम प्रॉपर तरीके जैसे पहले एग्जाम्स होते हैं उसको एग्जाम को कराया जा सकता है, ऐसा नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक बार में एक सीट में 5 लाख 5.5 लाख लोग एग्जाम कराना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बड़ा हास्यास्पद है कि कोई सरकार ये कह रही है, कोई आयोग ये कहता है कि मेरे पास स्कूल नहीं है, मतलब 70-75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए और हम ये कह रहे हैं कि मेरे पास स्कूल नहीं एग्जाम कराने के लिए, हम लोग मतलब क्या करें? सिक्योरिटी पर्पज से देव लीक तो हो रहा था पेपर, इसीलिए सर मैक्सिमम जो पेपर लीक हुए थे वो प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो रहे थे या तो रास्ते में लीक हो रहे थे। बहुत कम ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जहां पर आपको दिखा होगा कि पेपर एग्जाम सेंटर से लीक हो रहा था। और दूसरी बात है कि यदि आप प्राइवेट स्कूल्स बना भी रहे हैं तो आप अपने लोगों को वहां पर बैठा दीजिए ना, वहां पर अपने लोगों को बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सिक्योरिटी मजबूत कीजिए, आप अपने जो आपकी कमियाँ हैं उसकी वजह से हम बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं आप ना, ना बिल्कुल। और भी आयोग हैं जो कि करा रहे हैं वन शिफ्ट में एग्जाम, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यूपी आयोग ही है, इतना तो आयोग है, तो और जगह तो हो रहे हैं ना। आई प्रयागराज में जो है बहुत बड़े मात्रा में आंदोलन होने वाला है 11 तारीख को, सब बच्चे रखे हैं, तो आप लोग का सपोर्ट है उसको लेके? बिल्कुल, थोड़ा बताओ तिवारी जी आप नॉर्मलाइजेशन उचित नहीं है, इसलिए कि हर शिफ्ट के पेपर अलग अलग होंगे, डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होगी, और ऊपर से आरओ का एग्जाम एक शिफ्ट में हो चुका है 11 फरवरी को, और सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो ये आया है कि नोटिफिकेशन के बाद चेंज नहीं हो सकता है, तो उसके बाद ये भर्तियां कोर्ट में फंस जाएगी, इसलिए कि इसका एक बार एग्जाम हो चुका है, इसलिए कमीशन को 2 पेपर ही लेना पड़ेगा, और कमीशन ने दोनों पेपरों को मिला के 2-3 घंटे का एक पेपर कर दिया है, इसलिए ये ना 100% है कि कोर्ट में फंस जाएगी, क्योंकि इसका एक बार एग्जाम हुआ है, उसमें 2 पेपर हुए हैं, हिंदी का अलग पेपर हुआ है, GS का अलग पेपर हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का कि एक आप नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अपना प्रक्रिया को बदलाव नहीं कर सकते हैं,
और फेल होने की संख्या ज्यादा रहती है, इसलिए लड़के कोर्ट जाएंगे और ये नियुक्ति फंसेगी और ये 7-8 साल भी हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि ये एक शिफ्ट में ही हो और एक दिन एग्जाम हो। भाई आप क्या कहना चाहिए? सर नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पर हमने नोटिफिकेशन आया था उसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था। अब सर जब हम फॉर्म भर रहे थे तो हमें तो पता था ना कि 1 डे 1 शिफ्ट होना है, अब ये 2 दिन 3 दिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अभी सरकार को अपनी SOP में चेंजेस लाने चाहिए, शासन प्रणाली है वो कुछ भी कर सकती है सर। लेकिन मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि सर मुख्यालय से 10 किलोमीटर तक ही आपका जो जिला है सुरक्षित मानते हो, इसका मतलब बाकी गाँव में जो रहने वाले लोग हैं वो कैसे रह रहे होंगे, गाँव में जो इंटर कॉलेज चल रहे हैं वो कैसे चल रहे होंगे। सर शासन के ऊपर सवाल जवाब तो बनते हैं, लेकिन सर आयोग को इस बारे में सोचना चाहिए कि बच्चे हैं, 1 साल का भविष्य है उनका, तो ये देखना चाहिए सर। आगे कोई अगर नोटिफिकेशन निकालते हैं, आगे अगर वो 2 शिफ्ट कराए चाहे 10 शिफ्ट कराए, वो नोटिफिकेशन में निकाले, लेकिन ये वैसे ही कराए जैसे पहले से होता आ रहा है। इस बार चेंजेस ना करें, पहले आगे आप कुछ भी करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैं शरद कुमार दुबे बोल रहा हूँ और यहाँ बच्चे काफी उग्र हैं, जो है प्रौद्योगिकी छात्र हैं और इलाहाबाद में महाआंदोलन की तैयारी भी कर रखे हैं 11 तारीख को, और बच्चे अपने तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ क्रोशित हैं, उन मुद्दों को हम उठाए जो है। शरद कुमार दुबे नमस्कार, धन्यवाद।